अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम OSI मॉडल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। OSI मॉडल डिफाइन करता है कि डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। दो सिस्टम, दो कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं लैन केबल के साथ और डाटा को शेयर कर रहे होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। लेकिन ऐसे दो सिस्टम जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो, एक विंडोज़ बेस हो और दूसरा सिस्टम मैक बेस हो, तो ये दोनों सिस्टम आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इन 1984। 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स मौजूद हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिजिकल लेयर जो होती है ये सबसे बॉटम लेयर होती है OSI मॉडल के अंदर। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट एंड डिफाइन द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड वट कंट्रोल सिग्नल आर यूज। फिजिकल लेयर बिट्स को ट्रांसमिट कर रही होती है और डिफाइन करती है कि डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा नेटवर्क के ऊपर और कौन से कंट्रोल सिग्नल जो है वो यूज़ होंगे। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट इज सेंड एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम। बिट्स किस तरह से सेंड और रिसीव होती हैं फिजिकल मीडियम के अंदर, उनको कंट्रोल करना फिजिकल लेयर का मेन फंक्शन होता है। फिजिकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। द फिजिकल लेयर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। बिट्स को इनकोड किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए। द फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग। और फिजिकल लेयर इनकोडिंग की टाइप को भी डिफाइन करती है। डाटा रेट। द फिजिकल लेयर डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंड इन ईच सेकेंड। फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो सेंड होंगी। सिंक्रोनाइजेशन। द क्लॉक ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर ऑल्सो सिंक्रोनाइज। जो क्लॉक होती है सेंडर की और रिसीवर की, उसको भी सिंक करना फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइन कन्फिग्रेशन। द फिजिकल लेयर डिफाइन द अटैचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस विद मीडियम। फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कम्युनिकेशन डिवाइस को मीडियम के साथ किस तरह से अटैच करना है। ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। किस तरह की ट्रांसमिशन होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी, सिंपल होगी, फुल डुप्लेक्स होगी। नेक्स्ट वन इज डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश एट लेयर वन। डाटा लिंक लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल लिंक की जो कि इस्टेब्लिश होता है लेयर वन पे, और उसको इंश्योर करती है कि वो कितना रिलायबल है। डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग। द डाटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम। डाटा लिंक लेयर जितनी भी बिट्स होती हैं उनको डिवाइड कर देती है मैनेजेबल डाटा यूनिट के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। नेक्स्ट वन इज फ्लो कंट्रोल। इफ द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा इज मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा, डाटा लिंक इम्पोज अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन। इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि जो डाटा सेंड हो रहा है उसका रेट बहुत ज़्यादा है और रिसीव जो हो रहा है उसका रेट कम है, तो डाटा लिंक लेयर के पास एक फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इस सिचुएशन से
बच सकते हैं। एरर कंट्रोल, द डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज आर लॉस फ्रेम। डेटा लिंक लेयर जितने भी डैमेज हो जाते हैं फ्रेम्स, और ये उनको रीट्रांसमिट करता है। एक्सेस कंट्रोल, इफ़ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस सेम लिंक के साथ कनेक्टेड होती हैं, द डेटा लिंक लेयर डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट द गिवन टाइम। तो डेटा लिंक लेयर डिटरमाइन करती है कि इस गिवन टाइम के अंदर कौन सी डिवाइस का कंट्रोल है लिंक के ऊपर। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने नेटवर्क के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है और टर्मिनेट करना है। इट मैनेज द डिलीवरी एंड डाटा, इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितना भी डाटा डिलीवर होना है उस सबको मैनेज कर रही थी। नेटवर्क लेयर डिटरमाइन द लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल पाथ को डिटरमाइन करती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। देयर मे बी मैनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर के दरमियान में एक से ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकते हैं। दिस लेयर मैनेज टू सेंड द डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। कॉमन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट दिस लेवल आर IP, IPX एंड X25। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डाटा की फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है। इट इंश्योर दैट द मैसेजेस आर डिलीवर एरर फ्री। ये इंश्योर करती है कि जितने भी मैसेज हैं वो एरर फ्री होने चाहिए, उनमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। इट डिवाइड द लार्ज मैसेज इंटू अ स्मॉल पैकेट्स, ये डिवाइड कर देती है लार्ज पैकेट्स को स्मॉल पैकेट्स के अंदर फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। दीज पैकेट आर रिसेंबल, चेक फॉर एरर एंड एक्नॉलेजमेंट एट रिसीविंग साइड। जितने भी पैकेट्स होते हैं जब ये रिसीव हो जाते हैं तो इनको रिअसेंबल कर लिया जाता है, चेक किया जाता है कि इनमें कोई एरर तो नहीं है। इफ़ देयर आर एरर इन ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी एरर हो जाता है आ जाता है, देन डाटा इज रीट्रांसमिटेड, तो डाटा को रीट्रांसमिट किया जाता है। कॉमन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट ट्रांसपोर्ट लेयर आर TCP, UDP, SPX। नेक्स्ट वन इज सेशन लेयर, सेशन लेयर इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट यूजर कनेक्शन। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो नेटवर्क के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है, जबकि सेशन लेयर जो है वो यूज़र के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है। अ सेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर, इट्स सिंक्रोनाइज द यूज़र टास्क, ये यूज़र के टास्क को सिंक्रोनाइज कर रही होती है, सिंक कर रही होती है। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट इन डाटा स्ट्रीम। सिंक्रोनाइजेशन में चेक पॉइंट्स होते हैं। इफ़ फेलियर अकर ओनली डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज रीट्रांसमिटेड। अगर कहीं फेलियर अकर हो जाता है तो लास्ट चेक पॉइंट जो था वहाँ से डाटा को रीट्रांसमिट किया जाता है। सपोज कर लेते हैं, सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा। सपोज करते हैं कि हमने 1000 पेजेस ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करना है। चेक पॉइंट कैन बी यूज आफ्टर ईच 100 पेजेस, हर 100 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट लगाया हुआ है। इफ देयर इज एन एरर एट पेज 320, अगर एरर आ जाता है 320 पेज पे, द पेज फ्रॉम 301 विल बी रीट्रांसमिटेड। जो पेज 301 है वहां से दोबारा रीट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। पेज फ्रॉम 1 to 300 विल नॉट बी रीट्रांसमिटेड। 1 से 300 तक दोबारा रीट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि हमने हर 100 पेज के बाद चेक पॉइंट लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर, द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डेटा रिफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा रिफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन परफॉर्म करती है। डेटा रिफॉर्मेटिंग क्या होती है, व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा, जब दो कंप्यूटर डेटा को एक्सचेंज करते हैं, द डेटा इज चेंज टू
बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड, डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले बिट स्ट्रीम में चेंज किया जाता है। द टू कंप्यूटर में यूज डिफरेंट इनकोडिंग, दो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज कर सकते हैं। सेंडर कोई और फॉर्मेट यूज कर रहा है, रिसीवर कोई और फॉर्मेट यूज कर रहा है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग साइड चेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट। तो प्रेजेंटेशन लेयर फिर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को चेंज कर देती है रिसीवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इंक्रिप्शन, द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्ट द डाटा बिफोर ट्रांसमिशन, प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को इंक्रिप्ट करती है ट्रांसमिट करने से पहले। इट मीन द सेंडर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म एंड सेंड द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क। नी सिंपल मैसेज उसको किसी साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जाता है, किसी ऐसी फॉर्म में चेंज किया जाता है जो कि अंडरस्टैंडेबल ना हो, और उसको फिर नेटवर्क पे सेंड कर दिया जाता है। द रिसीवर अगेन ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक इट टू ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। जब मैसेज रिसीवर को रिसीव हो जाता है तो फिर उस मैसेज को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, डेटा कंप्रेशन नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देता है जिनको ट्रांसमिट करना होता है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू स्मॉल साइज, प्रेजेंटेशन लेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल साइज के अंदर कंप्रेस कर देती है। द कॉमन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड SMB एंड MCP। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है यूज़र एप्लीकेशंस को। इट इनेबल द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क, ये इनेबल करती है यूज़र को, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। इट प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेसेस, ये यूज़र को इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है। एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस, ट्रांसफ़र, शेयर डाटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर, इट अलाउ अ यूज़र टू एक्सेस रिट्रीव मैनेज फाइल इन अ रिमोट कंप्यूटर, ये अलाउ करती है यूज़र को कि वो एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और मैनेज कर सकें फाइल्स को रिमोट कंप्यूटर के ऊपर। मेल सर्विसेज, इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, ये स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ईमेल फॉरवर्डिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूज़र्स को। डायरेक्टरी सर्विसेज, इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस एंड एक्सेस फॉर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।